थिंक इसने ये टॉपिक हजे तक छेड़िया नहीं है, या यू नो कॉन्फिडेंटली ये क्या नहीं कि मैं इन्ने साल दी एंड आई एम स्टिल सिंगल एंड जो भी मतलब मजाक होंगे जोक्स होंगे आ. सो आई थिंक असी उन्होंने बस पहली बार हाईलाइट कर रहे हैं. मैं आंटी हाँ, मैं मासी हाँ, मैं पुआ हाँ, मैंने ये कुछ इंसल्ट ही नहीं लगता. पर जो तुम किसी का दिल दिखाने लिए कुछ कहने हो वो गलत है. एज डिफरेंस दी लव स्टोरी है. चैनल 7 देखने वाले सारे दर्शकों को मेरी यानी सोनिका भाटिया की प्यार भरी सत श्री अकाल जी. अज साडे नाल पंजाबी बॉलीवुड की बेहद ही खूबसूरत हीरोइन हैगी है, वो चंडीगढ़ पहुँचे ने. उन्हां दी फिल्म रिलीज़ हो रही है कोका. मैं गल कर रही हाँ नीरू बाजवा की. वेलकम टू अवर चैनल. थैंक यू जी. सारे सत श्री अकाल. मैम थोड़ी फिल्म आ रही है कोका, ये बारे थोड़ा दसो. हाँ जी, कोका फिल्म आ रही जी May 20th जिम्मे तुम ट्रेलर देखा है. एज डिफरेंस दी लव स्टोरी है, बट ये पूरी फैमिली लिए कुछ ना कुछ है. सो जो थोड़ा ट्रेलर पसंद आया तो फिल्म जरूर देखियो. इन्हें एक बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है, मैंने लगता है बहुत सी कुड़ियाँ इस नाल रिलेट कर पाएंगे. तुम ये एक सीन दिखाया जिसे जो आंटी भी कहना, बट ये की है कि 40 तो बाद आंटी के ना लाजमी हो गया मैम या कुछ और भी तो कह सकते. हाँ आई थिंक नहीं, ये बस कुछ नेगेटिव यू नो थॉट प्रोसेस है जो कि बदल. वो तो विआह तो बाद ही किसी भी आंटी कह देंगे या बच्चा हो जाता तो किसी भी आई आंटी. तो वो मतलब मैं भी मैं आंटी हाँ, मैं मासी हाँ, मैं पुआ हाँ, मैंने ये कुछ इंसल्ट नहीं लगता. पर जो तुम किसी का दिल दिखाने लिए कुछ कहने हो वो गलत है. तो वैसे मैं कह सकती हूँ कि तुम किसी भी एंगल तो इस करैक्टर के लगते नहीं हो कि 40+ करैक्टर तुम कहता. मैं तो बहुत साल तो देख रही हूँ मे बी डांस रियालिटी शो, तुम तद दे लेकर हूँ तक एवें ही हो. किवें मेनटेन करते हो अपनी फिटनेस? कंसिस्टेंसी, मतलब मैं कंसिस्टेंट हाँ अपनी लाइफ जो भी हो रिलेशनशिप्स में लैके काम में लैके अपने फिजिकल हेल्थ में लैके. सो मैं बहुत कंसिस्टेंट हाँ, मेरी वो जी स्केचुअल है वो रूटीन है वो कभी नहीं टुटती. तो गल करिए अपनी रूटीन की, तो की रूटीन रहती है? उस सुबह उठते ही मैं जिम जानी हाँ, भावें मैंने 2 घंटे सौन मिलन. मैं जिम तो मेरा हमेशा ही मेरे दिन की शुरुआत जिम तो होंगी है. एंड दैन ओबियसली हैल्दी ब्रेकफेस्ट, इट डिपेंड्स जो मैं कर रही हाँ फिर बच्चों नाल हों, जो मैं कम तो फिर उतर फिर जाते जाते कर लैनी हूँ ताकि मैं लेट ना होव. बट दैट्स व्हाट इट इज़. कि तुम एक्टिंग भी कर रहे हो, प्रोडक्शन भी कर रहे हो, बेबीज भी हो गया, तो किमें तीनों चीज़ें मैनेज कर पा रहे हो? बस मैनेज हो जाती हैं जी. आई हैव अ ग्रेट आर्मी, मेरा सब सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया. मेरे मॉम्स, माई मदर लॉ, माई मॉम, सारे जो नैनी ने, माई हस्बैंड, माई सिस्टर्स, सो सारे बहुत हेल्प करते हैं. तो जब तुम एज ए प्रोड्यूसर काम करते हो तो एज ये या फिर एज एन एक्टर, दोनों विच की डिफरेंस आता है? वेल एज अ प्रोड्यूसर आई थिंक मेरा थोड़ा मैं क्रिएटिवली मेरा इनपुट होंदा है, नहीं तो एज एन एक्टर मैं बस यू नो एज एन एक्टर ही कम करती हूँ. जो कुछ प्रोड्यूसर ते डायरेक्टर नू ठीक लगता है आई जस्ट आई फॉलो दैट. तो सब तो ज़्यादा जब प्रोड्यूस करते हो तो किस चीज़ पर फोकस करते हो और एज एन एक्टर किस चीज़ पर फोकस करते हो? मतलब यही वैसे प्रोड्यूसर बस ओवरऑल सारिया चीज़ा देखने में सारे कैरेक्टर्स फुल फिल्म यू नो तो उत्ते कॉन्सनट्रेशन होंगी. पर एज एन एक्टर फिर थोड़ा ध्यान अपने आप उत्ते बेसिकली होंगे. तो आप गल करिए ना प्रियंका चोपड़ा ने जिमें मैरिज की निक नाल 10 ईयर्स का एज डिफरेंस ही, बट ये टैबल्यू हले भी साड़ी सोसाइटी तुहानू की लगता क्यों है? नहीं आई थिंक मतलब बहुत सारे कपल्स ने जिन्हें लाइफ पार्टनर जो कुड़ी है वो ज़्यादा वड्डी है. बट आई थिंक इसने ये टॉपिक हजे तक छेड़िया नहीं है, या यू नो कॉन्फिडेंटली ये क्या नहीं कि मैं इन्ने साल दी एंड आई एम स्टिल सिंगल एंड जो भी मतलब मजाक होंगे जोक्स होंगे. सो आई थिंक असी उन्होंने बस पहली बार हाईलाइट कर रहे हैं. तो जरा कोका टाइटल है यदा मीनिंग की होएगा फिल्म? कोका का मीनिंग की होएगा फिल्म वो सारे की अलग अलग डेफिनेशन है. जो मतलब मेरा डेफिनेशन कोका का कुछ और है, थोड़ा कुछ और होगा, थोड़ा कुछ और होगा. सो वो तुसी फिल्म देख के दसोंगे अपने आप. तो तुसी कोई मैसेज देना चाहते हो इस फिल्म तो रिलेटेड ही जिम्मे एज डिफरेंस का होया या प्यार? आई जस्ट वांट टू से यू नो गो वॉच द फिल्म कोका. May 23 रिलीज हो रही है एंड सारे नू बहुत बहुत प्यार. तो फिल्म नवा की लेके आँदी है तुहानू असीं जरूर विखावांगे. तद तक तुसीं जुड़े रहो साडे नाल, वेखते रहो चैनल 7 सोनिका भाटिया दे नाल, कैमरामैन लविश दी रिपोर्ट.